आओ मनाली अटल टनल कुछ मत लेना, केसर शिलाजी सब नकली भाई, यहाँ नकली चल रहा है। यहीं से हम जाएंगे आगे, रोहतांग के लिए भी यहाँ से जाते हैं और अपना शिशु। अभी ये पूछते हैं चार्जेस क्या है, क्या चार्जेस है वैसे रूम का। अभी यहाँ पर एप्पल एक दो नहीं है, कम से कम यहाँ पर एप्पल ही एप्पल है चारों तरफ भाई, जहाँ चाहो जहाँ। मैं आपको बताता हूँ ये लद्दाख राइड कैसे स्पेशल होने वाली है। Guys and welcome back to the channel. This is Rodi Rahul. और आज हम start कर रहे हैं अपनी लद्दाख राइड 2024 in the month of August. August का ये last week है और हम लोग अभी हैं मनाली में, जहाँ से हम ride start करेंगे। दिल्ली से मनाली आए थे हम कल रात को, दिल्ली से चले थे करीब 11 से 12 बजे और हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे मनाली। और अपना यहाँ ओमकारन करके एक जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं अभी, ये हमारे फ्रेंड का गेस्ट हाउस है और हम दिखाएंगे यहाँ क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये लद्दाख राइड कैसे स्पेशल होने वाली है। इस बार हम क्या करेंगे, इस राइड में हम पहले जाएंगे मनाली से केलांग, उसके बाद दारचा, उसके बाद जाएंगे हम जंस्कार जहाँ पर हम जाएंगे शिंखुला पास, उसके बाद गोम्बोरंजन जहाँ हम कैंपिंग करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम पादुम, फिर उसके बाद हम या तो निमू वाला रास्ता लेंगे एग्ज़िट के लिए, या तो लमायरू वाला, या तो कारगिल वाला, जो भी हमें खुला मिलेगा। फिर हम जाएंगे ले की तरफ और वहाँ से हम जाएंगे सियाचिन की तरफ वाया खारदुंगला, और फिर वापस आके तुरतुक होंगे, फिर नुब्रा वैली होते हुए फिर पेंगोंग जाएंगे, और पेंगोंग से फिर जाएंगे हम हानले देमचौक एंड एट लास्ट उमलिंगला। उमलिंगला इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड नाउ, 19,000 प्लस फीट हाइट है उसकी, जो कि हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और उसके बाद क्या है कि हम उमलिंगला से जब वापस आएंगे तो हम न्योमा में रुकेंगे, और न्योमा से हम आगे चलेंगे और जाएंगे कारजोक जहाँ पर है सोमोरेरी लेक, और फिर वहाँ से वापस आते हुए हम आएंगे वाया सरचू, हो सका तो बारला चला होते हुए फिर हम मनाली के द्वारा वापस आएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। और जहाँ भी हम जा रहे हैं चांसेस है कि शायद शिंखुला पास पे स्नोफॉल मिलेगी कल या परसों तक। तो अभी हम यहाँ पर हैं इस गेस्ट हाउस में, ये बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। तो अब ये है प्लान हमारा, मैंने आपको बता दिया है, कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप डाल देना। और इस ट्रिप में क्या क्या तैयारी करी है मैंने वो दिखाता हूँ सबसे पहले, आओ। तो गाइस इस ट्रिप में क्या किया हमने, ये गाड़ी लाई लिया है। तो गाइस हमारे पास ये कार है, एक 7 साल पुरानी रेनो क्विड, जिसके ऊपर सबको डाउट है कि ये क्या खारदुंगला जा सकती है, क्या ये लेह लद्दाख ट्रिप पूरी पूरा कर सकती है, सबको डाउट है, मुझे कोई डाउट नहीं है। देखिए ये है मेरे पास एक ही गाड़ी है अभी फ़िलहाल जो मेरे पास है, और मैं इसी गाड़ी को लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि भाई अपनी गाड़ी अपनी होती है। तो अपने पास क्या है कि यहाँ देख सकते हो आप, मैंने इसमें कुछ कोई मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं कराया, एंड्रॉयड वो पुराना लगा हुआ है, और बस हमने क्या किया है यहाँ पर कैंपिंग का पूरा सेटअप ले रखा है। ये है अपना किचन सेट, और ये वाला है अपना स्लीपिंग बैग, सॉरी स्लीपिंग मैट्रेस, जो कि सिर्फ 200 रुपये का आया है, अगर आपको भी चाहिए तो मुझे बता देना। और बस कपड़े हैं और अपना यहाँ स्लीपिंग बैग है, देखिए बाल्टी भी है, और ये सब आप देखोगे जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे ये सब आपको दिखाऊंगा हम क्या क्या करते हैं। तो गाइस आज की जर्नी होने वाली है मनाली से लेकर जिस्पा तक, शायद अगर सब कुछ ठीक रहा जिस्पा हम रुकेंगे आज रात को, और वहीं पर हम कैंपिंग करेंगे रिवर साइड में। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ खाएंगे यहाँ पर और फिर निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पर अब अगस्त के महीने में क्या है कि एप्पल भी आ चुका है, पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ एप्पल कैसे आ रहा है, कलर जो एप्पल का आया है कैसा आया है, चलो देखते हैं। तो ये जी देख सकते हो मैं आ गया हूँ इधर,
ये अपना जंगल से आ रहा हूँ जो कि खेत है एक तरह का। तो यहाँ पर गाइस कहीं कहीं गड्ढे भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें से खुजली हो जाती है, तो उससे बच के। और हम आ चुके हैं एप्पल ट्री के पास, मज़ा आ रहा है भाई कतई जहर। देखो ये है एप्पल गाइस, बहुत सालों बाद मुझे एप्पल मिला, इतना बड़ा एप्पल, हिमाचली एप्पल, ये देख सकते हो है ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। तो गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास ये एप्पल है, एप्पल ट्री है इनफैक्ट, देखो कितना मज़ा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर एप्पल एक दो नहीं है, कम से कम यहाँ पर एप्पल ही एप्पल है चारों तरफ भाई, जहाँ चाहो जहाँ देखो आप एप्पल है, मेरे पीछे एप्पल ही एप्पल। तो इतना मज़ा आ रहा है एप्पल ट्री के बीच में। अभी ये देखो कुछ, ये अभी कुछ कच्चे हैं यहाँ पर और ये कच्चे हैं, लेकिन ये पक चुके हैं, देखो ये पक गए, इनमें कलर आ चुका है। अब मैं खा के भी देखूंगा और आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। सही, चलिए एक एप्पल टेस्ट करते हैं यहाँ का, तो यहीं से टेस्ट करें, चलिए ये वाला टेस्ट करते हैं। देखिए इस गुच्छे में से मैं एक तोड़ूंगा, वैसे मैं एप्पल खाता नहीं हूँ ज़्यादा, तो गाइस ये मैंने तोड़ लिया है एक नॉर्मल सा एप्पल, और बताता हूँ इसका ये मीठा है कि नहीं। अगस्त के महीने में, 25 अगस्त के आसपास, मीठा तो है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इसको करीब एक हफ्ता और रहने देना, ज़बरदस्त मीठा हो जाएगा। तो यार चारों तरफ एप्पल ऑर्चिड्स हैं यहाँ पर, है ना, ये है चाह, देखो एप्पल ही एप्पल यार। आओ 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 गाइस, मैंने तो एप्पल टेस्ट कर लिया है, अब सुब्रत भाई की बारी है। नहीं, मैं तो फोटो खींचेंगे तो एप्पल भी देखना होगा ना यार। मास्टर आ रहे हैं हमारे। देखिए आ रहे हैं, पैरों की उंगलियों से एप्पल खा के दिखाएंगे। खाएंगे लेकिन आज नहीं, आज नहीं है, कभी और। फिलहाल तो एक खा के दिखाओ, देखो और कैसा बताओ। नहीं नहीं, इधर से कुछ नीचे नीचे जाओ, कुछ नहीं है। अरे यार पीड़ा पीड़ा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपको इस प्रॉपर्टी में आना है और फ्री के एप्पल भी खाने हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ का एड्रेस फ़ोन नंबर सब बता दूंगा, और या तो आप अपना नंबर छोड़ देना कमेंट्स में, मैं कॉल बैक करवा दूंगा। तो गाइज अब बारी है हमारे को रूम्स देखने के लिए, कैसा है यहाँ का रूम और आप आएंगे तो क्या चार्जेस है, वो भी अगर हो सका तो शेयर करूँगा, बट रूम देखते हैं पहले। तो यहाँ से अंदर जाएंगे, ये ऊपर जाने का रास्ता है, रूम्स ऊपर भी है नीचे भी, एक डेमो रूम देखेंगे हम। तो ये हम आ गए बालकनी में और सुब्रत भाई अपने बालकनी को एंजॉय करते हुए, और ये देखिए यहाँ बैठक है, और ये नीचे का नज़ारा सुपर। कौन सा रूम है, रेडी? अभी आपके लिए तैयार किया गया था ये कमरा। अच्छा, कि आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ दोपहर में रेस्ट करेंगे और शाम में आप निकलेंगे, लेकिन अच्छा, अभी आपको जल्दी निकलना है। सो तो ये है रूम, कोई भी व्यक्ति आता है तो रूम हमारा इसी तरीके से रहता है। हाँ। हम होटल वाली सर्विस तो नहीं देते, लेकिन होम स्टे में कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसी भी सर्विस मिलती है। खाना व्यक्ति के मन मुताबिक मिलता है, और सीजन टाइम में जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। अभी फ्रेश हो जाता हूँ, अभी नीचे वाले, अच्छा ये वाले, उसका अभी आप अगर इस टाइम में आते हैं, जैसा कि अभी सब कुछ फ्री है तो आधा है, तो रेट डिपेंड करता है समय के हिसाब से, बहुत सारे है, क्योंकि सुकून है, नजारा है। एक चीज ये सबसे कमाल है इसे, यदि भैया राहुल भैया, हाँ जी, ये बात वीडियो के लिए नहीं है, असल में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी मेडिटेशन की समझ रखता है या टाइम बिताना चाहता है तो ये जगह है। इसके बाद क्योंकि रास्ता नहीं है, एकदम शांति वाली जगह है, आप यहाँ घंटों मेडिटेशन कर सकते हैं। और सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके थोड़ा पीछे दिखती है भृगु लेक है इसके पीछे, और इधर ये है हमटा, हमटा पास, अगर आप जी जी इस दोनों पहाड़ के बीच का ही रास्ता जो है वो हमटा है इधर कहीं। अच्छा, और इसी को क्रॉस करके वो छतड़ू जाया जाता है और चंद्रताल तक का वो ट्रैक है। ओ वाह, तो अभी ये पूछते हैं चार्जेस क्या है, क्या चार्जेस है वैसे रूम का। अभी अगर कोई आ रहा है तो 500 रुपए रूम का चार्ज है, और देखिए ऑफ सीजन है, 500 रुपए पर डे रूम है, ये दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए,
कैसे? ये डिपेंड करता है व्यक्ति आपकी रेफरेंस आ रहा है या ऐसा। अच्छा, अगर आप वीडियो देख के आ रहे हो तो आप बता देना, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ₹500 और साथ में, हाँ बिल्कुल, आपका रेफरेंस देने के बाद तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो गाइस आपने देखा, यहाँ पर आ सकते हो रहने के लिए, और इस जगह की लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, लोकेशन डालनी है अपने जीपीएस पे, मनाली मॉल रोड से भी पहले डाल दो आप थोड़ा, जहां पर आपका टोल टैक्स कटेगा वहीं डाल देना, और वहां से यहां तक डायरेक्ट आप गाड़ी लेके आ सकते हो। पार्किंग की सुविधा देखो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं गाड़ी रखने की, कोई बहुत सारी जगह यहां भी है और वहां भी है, पीछे तक जगह है यहां पर। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से, और अभी हम आ चुके हैं मनाली मॉल रोड पे, जहां पर सुब्रत भाई अपना टोपी लेंगे, एक हिमाचली टोपी जो लेने के लिए गए हैं, तो वो ले लेंगे, फिर हम उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे जिस्पा की तरफ। ये दुकान जहाँ से टोपी ले रहे हैं, अब हम आ चुके हैं अटल टनल पे, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस्पा की तरफ जा रहे हैं। सुब्रत भाई फोटोज कैसी आई? बढ़िया, एक नंबर फोटोज भाई, मौसम जबरदस्त हो रहा है। व्हाट्सएप कॉल करके वो देखो अटल टनल, और अटल टनल मेरे सामने है, ये देखिए। तो अभी हम आगे जाएंगे यहाँ से और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। आइए भाई साहब, देख लो यहाँ पर अटल टनल पे हमने अभी क्या किया, एक चश्मा लिया है ₹100 का, ये देखो भैया, आओ दिखाओ भाई, ये केसर बेच रहे हैं, कितने का है? ₹250 केसर भाई, इतना सारा लेना ले जाना। ये देखो, ये भाई साहब जा रहे हैं, नकली सिराजीत नकली केसर चेपते हैं। तो भाई यहाँ आओ, मनाली अटल टनल कुछ मत लेना, केसर सिराजीत सब नकली है भाई, यहाँ नकली चल रहा है, कुछ नहीं है, फर्जी चीज है। ₹250 में केसर मिलेगा इतना सारा, कतई जहर। चलो आगे चलते हैं। वो जो आप रास्ता देख रहे हो वो है रोहतांग पास का रास्ता, उधर से रोहतांग जाते हैं और स्पीति वैली भी वहीं से जाते हैं, देखो आपको सामने दिख जाएगा बोर्ड पे। तो यहाँ से रोहतांग है 27 किलोमीटर राइट हैंड साइड में, गाजा 144 किलोमीटर जो कि स्पीति वैली में है, और यहाँ से ले पड़ता है अपना 396। हमें जाना है आज जिस्पा, जो कि करीब अभी होगा 70-80 किलोमीटर में भी, वो आगे देखते हैं हम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तुम्हारे साथ में ये नदी चल रही है, देखिए ये रिवर जाएगी कहां पर, पाकिस्तान, ये रिवर देखिए। चलते चलते हम आ चुके हैं सिसु में, और ये देखिए सिसु लेक, और बोला सिसु वाटरफॉल, काफी अच्छा लग रहा है। अब भाई ये हमारी गाड़ी, सूरत भाई बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं, भाई कोई नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल, आप भी आ सकते हैं। तो गाइस अभी हम सिसु लेक पहुँच चुके हैं, अब हमें जाना है जिस्पा की तरफ, करीब हमारा अभी 37 किलोमीटर और रहता है, तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है क्या। तो गाइस सिसु लेक में आप आओगे ना तो आपको कैंपिंग भी कर सकते हैं, हाँ हट्स बने हैं बहुत सारे, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, एक चीज दिखा, और कतई टाइम पास होता है, आ जाओ फैमिली लेके आ सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। तो हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, अभी हमें चलना है आगे जिस्पा की तरफ, तो चलिए चलते हैं। गाइस ये है सिसु विलेज, तो लेफ्ट साइड में विश्राम गृह है, यहाँ से किलोंग 32 पड़ता है, और जिस्पा हमारा 60 के आसपास है टोटल, मैंने 37 गलत बोला था, 60 के आसपास लग रहा है। और ये देखिए ये चारों तरफ जो देख सकते हो आप, ये है कैफेज और हॉस्टल्स रहने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। मनाली ना रुकिए, आप यहाँ रुकिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही कूल प्लेस है, शांत है,
तो अभी हम आगे जाएंगे, पेट्रोल पंप भी है यहाँ सिसु का, वो देखते हैं अगर वहाँ पर पेट्रोल लेना हुआ तो। बस गाइस टांडी पहुंच चुके हैं हम, और टांडी में देखिए ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो ढाबाज हैं, यहाँ आप रुक भी सकते हो रात को इमरजेंसी में, पेट्रोल मिल जाएगा आपको यहाँ से अगर पेट्रोल पंप पे नहीं है, जेरिकेंस भी मिल जाएंगी। और भाई ये है पेट्रोल पंप जो हमारा ले से 365 किलोमीटर पहले पड़ता है, इसके बाद एक लास्ट और पेट्रोल पंप है केलोंग। केलोंग का इंतजार मत करना, आप जब भी आओ यहाँ पेट्रोल भर लिया करो, ताकि आपको केलोंग में पेट्रोल है या नहीं है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पहले बोर्ड था 365 किलोमीटर, ये ले से 365 किलोमीटर दूर है। अब हम चल रहे हैं केलोंग की तरफ और आगे फिर चलेंगे जिस्पा। गाइज अभी हम जा रहे हैं जो रिवर देख रहे हैं सामने हमें तांडी ब्रिज पे, और ये जो सामने रिवर आ रही है हमारे पास ये ले की तरफ से आ रही है, मतलब अगर हम ले की तरफ जाएंगे यानी जिस्पा की तरफ तो ये वाली रिवर देखने को मिलती है। तो इस रिवर का नाम है भागा रिवर, जो कि हमारे यहाँ पर संगम बनता है। ये था तो गाइज तांडी ब्रिज में संगम बनता है पीछे से आ रही भागा रिवर का, और जो कि मनाली की तरफ से आ रही है चंद्रा रिवर का। यानी कि देखिए वो जो ये है भागा रिवर मेरे नीचे से जा रही है, काफ़ी हैवी फ्लो है, और वहाँ से जो आ रही है नदी वो देखिए देख रहे हो, वहाँ से जो आ रही है वो बीच में संगम बन रहा है। तो ये है मनाली से आने वाली, एक मनाली की तरफ से आ रही है और एक हमारी तरफ से जा रही है यानी कि ले की तरफ से आ रही है, दोनों का संगम बनता है तांडी ब्रिज पे जो है चंद्र भागा रिवर। अब वो आगे जाएगी चंद्रभागा रिवर बन के। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली यहाँ के लोकल लोगों से, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था। तो अभी तांडी ब्रिज पे हम अभी, और एक घंटा और लगेगा हमें जिस्पा पहुँचने में, तो आइए चलते हैं। तो भाई जैसे हम तांडी ब्रिज से थोड़ी दूर चले थे करीब 1 किलोमीटर, तो हमारे पास दो रास्ते आ जाते हैं, एक लेफ्ट को और एक राइट को। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहो तो सचपास भी जा सकते हैं यहाँ से उदयपुर होते हुए जो कि हिमाचल में पड़ता है। देखिए अब हम खड़े हैं चंद्रभागा में जो जगह का नाम है, और यहाँ से देखिए हमारे पास सारा रास्ता है इधर, ये देख लीजिए है ना। और ये जो रास्ता हमारे पास देखिए मेलिंग दिखा रहे हैं, मेलिंग बोलते हैं लोग। तो ये देखिए उदयपुर 46 जो ट्रक आ रहा है सामने से ऊपर से वो आ रहा है सचपास की तरफ से। अगर किसी को सचपास उदयपुर खिलाड़ किश्तवाड़ जाना है और वहाँ से पटनी टॉप, तो ये रास्ता है ऊपर वाला, और अगर किसी को ले जाना है तो राइट वाला। तो फिलहाल अभी हमें चलना है ले, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में पूरी तरह प्रॉपरली देख रहे हो। तो अभी हमें चलना है ले की तरफ, आइए चलते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अभी जिस्पा में, और ये मेरे पीछे ये होम स्टे है जहाँ पर हम अभी खाना खा रहे हैं, रहेंगे नहीं। तो हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया है और साथ में भुर्जी और चाय, और देखते हैं क्या खाते हैं। फिलहाल तो अभी सुब्रत यहाँ पर गए हैं यहाँ पर चेक करने रूम्स, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, खाना ऑर्डर आएगा बाहर बैठ के खा जाएंगे अगर मन करा तो यहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छी टेबल लग रही है, और ये देखो व्यू। तो यहाँ पर आपको होम स्टे का नाम दिख गया है वीडियो में है ना ये, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। 1000 रुपये है दो लोगों का, एक का 500, और रूम्स ओके हैं। अगर आप चाहो तो रूम का टूर भी करा दूँगा, आइए देखते हैं, रूम देख लेते हैं है ना कैसा है जिस्पा में। जैसे ऊपर आए हम, अभी ऊपर आने के बाद
रूम कुछ ऐसा दिखता है, वेरी 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 सिंपल, कुछ नहीं है, एक मैट्रेस है, अच्छा खासा मोटा है, और टेबल कुर्सी, वॉशरूम ठीक है, बाइकर्स के लिए ओके रिपोर्ट। अरे विंडो के बाहर ऐसा है कुछ मामला, और ये मैं, तो इस यहाँ पर बहुत सारे रूम्स है। तो अगर बात की जाए टाइडीनेस की, वो इतना नहीं है, और तो हम तो वैसे भी रुकेंगे नहीं, हम टेंट में रुकेंगे। हेलो बस टेडी। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, तो ये रही हमारी चाय, चाय 20 की है, काफ़ी अच्छी चाय है, असली गाय के दूध की, अमेजिंग। और साथ में हमने लिया फ्राइड राइस, और भुर्जी ली थी वो मैंने खा गया, मैं भुर्जी ये रही, भुर्जी भी अच्छी है इनकी, तो फ्राइड राइस चख के बताता हूँ कैसा टेस्ट है। ना मिर्च है, ना ही ज़्यादा मसाले हैं, एकदम बैलेंस्ड फ्लेवर, और नींबू डालते और मज़ा आता है, नहीं डालते तो भी मज़ा आएगा आपको। तो आप ये फ्राइड राइस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आते हो तो, है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, खाना वाना खा के आगे निकलते हैं कैंपिंग साइट पे, और वही मिलते हैं। गाइस चल रहे थे अभी हम रास्ते में, चलते चलते हम आ गए जिस्पा, और जिस्पा में हमें मिल गया है एक मस्त वाटरफॉल, मेरे बगल में देख सकते हो, ये रहा, आइए देखते हैं कैसा ये। और काफी अच्छा वाटरफॉल, बिल्कुल साफ पानी, देखो वहां से आ रहा है, तो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है डे टू, और अभी हम लोग हैं दारचा में, जो हम चले थे मनाली से कल, यानी कि दिल्ली से ही चले थे, एग्जैक्टली दिल्ली से, फिर मनाली में हमने खाना खाया, और फिर मनाली से हम रात को यहाँ पर जिस्पा नहीं रुके, क्योंकि वहाँ हमें कैंपिंग साइट नहीं मिली, तो आपको भी शायद मिले ना मिले, तो हम रुके दारचा में, और दारचा में रुके जहाँ पर पुल है, पुल के पास जो पुराना रोड जो दारचा का है नीचे से जाता है, उस रोड पर रुके। देखिए हमारा कैंप टेंट का सेटअप है, वेरी इजी। ये देखिए ये थर्मल्स है, ये मैंने ये शीट ली, डिकैथलॉन का 2%, ऊपर भी एक लाइट लगी है देखो ये, और ये तो पर्स है, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको बाहर से, देखिए ये लाइट लगा रखी हमने, सेटअप देखो आप पहले, ये हमें एरिया मिल गया था, ये हमारा टेंट लगा हुआ है, और ये लाइट लगी हुई है ट्राइपॉड पे, हमने लाइट लगा रखी फुल नाइट, ये है अपना पावर बैंक जो ये फुल नाइट चला देगा, और वो गाड़ी को हमने कॉल स्टार्ट कर दिया, और सवेरे का टाइम हो चुका है। तो गाइस देखिए अभी हमारा टेंट खुल रहा है, और सवेरा हो चुका है दारचा में, है ना। अब हम टेंट सामान हमने पैक कर लिया गाड़ी में, सारी चीज़ें देखिए, बैग वैग स्लीपिंग बैग ये वो किचन सेट, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है पिछले 15 मिनट से हमने, और ये है मैं बोल रहा था रिवर साइड जो कैंपिंग की है, बात में बताना चाह रहा था आपको, देखिए ये रिवर है, जो हम पहले जाते थे तो हम इधर से होके जाते थे, यहाँ से होके ऐसे सामने से जाते, फिर ऐसे करके फिर ऐसे जाते, लेकिन सरकार ने अब देखिए ये आ रहा है जिस्पा से रूट, और ये जिस्पा से रूट आने के बाद ये सीधे ये ब्रिज बना दिया बढ़िया सा, देखिए क्योंकि नीचे ना नदी जाती तो पानी भर जाता था, तो ये रूट है, ये ब्रिज पार करके सीधे राइट, और नीचे का ये एरिया है पूरा अपना जो कैंपिंग कर सकते हैं, और वाटर सोर्स भी आपके पास, यहाँ से आपको नीचे आना है। तो गाइस अभी हम चलेंगे आगे गोम्बो रंजन की तरफ, और देखते हैं कि क्या क्या करना है, मुझे भी नहीं पता, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, फ्रॉम दारचा टू गोम्बो रंजन हाउ द ड्राइव गोज। चलो टेक केयर, बाय बाय। Turn back again.